हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एडमिशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार वो एडमिशन आप देखिए। तो ये जो एनिमेशन, ये स्टिक एनिमेशन है, ये मैंने किस तरह पूरा बनाया और कैसा मैंने इसमें काम किया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गाइज, ये अगर मैं पूरा सब कुछ इसमें बता दूंगा, जैसे इसका एनिमेशन है, जैसे कंप्यूटर का चला रहा है ये पूरा का पूरा जो एनिमेशन है, और दूसरा भी और भी एनिमेशन है सारा, कंपाइलिंग से रिलेटेड लेकर सारा चीज़। तो गाइज, इस वीडियो में सिर्फ मैं यहाँ पे वॉक एनिमेशन बनाऊंगा। जो ये वॉक हो रहा है यहाँ पे, ये वॉक एनिमेशन बनाऊंगा इसका। अगर ये वीडियो तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इससे आपको कुछ मतलब सीखने को मिला, तो मुझे कमेंट करना, तो मैं अगला वीडियो लाऊंगा। ऐसा करते करते मैं पूरा कंपाइलिंग वाला वीडियो पूरा लाऊंगा, क्योंकि गाइज एक ही बार में अगर इसमें बताऊंगा तो पूरा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखोगे आप, ये वॉक है, ये सब मैं इसमें बताऊंगा। स्टिक एनिमेशन है कि कैसे होता है। तो ये मैंने नॉर्मली इस तरह बनाया, आप नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो। तो इसमें पूरा इसमें बताऊंगा, इसमें प्रॉपर आपको वॉक साइकिल सिखाऊंगा। और उसके बाद जैसे ये वीडियो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो अगला वीडियो भी बनाऊंगा, मैं देखूंगा कि कमेंट कैसे आएंगे। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, लर्न एनिमेशन हिंदी की जो वेबसाइट है www.jivaedu.com है, इस वेबसाइट से आप जो रिकॉर्डिंग कोर्स होते हैं वो भी यहाँ पे मिलता है, और साथ में आपको कार्टून स्टोरी बनाने के लिए, चाहे वो फिर राइम्स हो, हॉरर स्टोरी हो, मोरल स्टोरी हो, उनको बनाने के लिए आपको करेक्टर और बैकग्राउंड भी मिलता है, सारे के सारे नो कॉपीराइट रहता है। अगर आप हमारी ओरिजिनल वेबसाइट से बाय करते हो तो आप पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है, बिकॉज हम हर एक प्रोडक्ट पे GST पे करते हैं। अगर आप किसी और से ये चीज़ें बाय करते हो तो आप पे कॉपीराइट जरूर आता है, बिकॉज हम GST दिखा कर यूट्यूब को आप पे कॉपीराइट दे सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको बाय करना है तो हमेशा www.jivaedu से ही बाय कीजिए, ताकि आप पे कोई कॉपीराइट ना आए। बाकी गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे 29 मार्च को नया बैच शुरू होने वाला है। ये लाइव क्लास रहता है। आपको लगता है ये लाइव क्लास होता क्या है, जबकि लर्न एनिमेशन हिंदी में रेगुलर हम हर दिन एक एक वीडियो डालते रहते हैं, प्रॉपर लेक्चर रहता है, तो पर यहाँ पे होता क्या है गाइज, जो लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में एक टीचर आता है, पहले गूगल मीट पे क्लास लगता है, फिर रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलता है, फिर डेटा भी मिलता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डाउट। जब आपको कोई डाउट आता है तो लाइफ टाइम आपका टीचर आपका डाउट को क्लियर करता है एनीडेस्क में और जूम में। ऐसा फैसिलिटी सिर्फ हम ही देते हैं लर्न एडमिशन वाले। सबसे बड़ी बात है, आपकी कॉल सुनी जाती है और एनीडेस्क में आपका टीचर आता है। करेक्टर एडमिशन ट्रेसिंग रिगिंग कंपाइलिंग, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो सारा होता है, टोटली जो स्टोरी बनता है वो सब यहाँ पे बनाना सिखाया जाता है। यहाँ पे 3 मंथ में आपको 15 क्लास दी जाती है, और ये एक के बाद एक नहीं दी जाती है, क्योंकि एक लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए 4 से 5 दिन दिया जाता है। आप प्रैक्टिस करते हो, अपने डाउट को क्लियर करते हो, इंपॉर्टेंट रहता है डाउट। आपको लगता है कि जब हम यहाँ पे रेगुलर इतने सारे वीडियो दे सकते हैं तो लेक्चर ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि गाइज एनिमेशन ऐसा नहीं सीखा जाता है, प्रैक्टिकली आपको धीरे धीरे आगे जो भी डाउट होता है वो क्लियर किया जाता है। लर्न एनिमेशन में अभी 800 स्टूडेंट हो चुके हैं। इतने स्टूडेंट लाइव क्लास में क्यों आते हैं, क्योंकि सबको ट्रस्ट होता है कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाउट को क्लियर करते हैं। आने वाले टाइम पे हमारे बहुत और भी लाइव क्लासेस आने वाली है। तो गाइज, अगर आपको ये वाला क्लास को ज्वाइन करना है, कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सीखना है, तो आप फ्राइडे 29 मार्च को ये जो क्लास है ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो फीस है यहाँ पे 8,000 है, इंडियन रुपीज है, और आप इससे वन टाइम इसे पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गाइज आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आगे का जो प्रोसेस होता है वो जान सकते हैं कि कैसे इस क्लास को ज्वाइन किया जाता है। ये फ्राइडे 29 मार्च को स्टार्ट है। चलिए गाइज, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो पूरा वॉक है, इसका मैं आपको ये वाला मैं आपको पूरा एक इसका पूरा FLA दे दूंगा आपको वॉक करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ये स्टिक एनिमेशन है कैसे होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं प्रॉपर आपको पूरा एक वॉक साइकिल बताऊंगा पहले, और जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर ये पूरा बनाया है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको ये वाला मेरा जो ये वीडियो जो मैंने ये बनाया, ये मुझे लगेगा कि कमेंट ज़्यादा है और अगला वीडियो बनाना है, तो आप मुझे बता देना कि अगला वीडियो बनाना है, तो उसमें मैं सब कुछ बता दूंगा। ये कंपाइलिंग कैसे किया है प्रॉपर बता दूंगा, किस तरह मैंने इसमें काम किया है, तो ये मैं प्रॉपर बता दूंगा आपको। जो भी है आप देख रहे हो उसमें, कैसे मैंने चला के से कैमरा एंगल लिया, किस तरह ये गिर गया, किस तरह ये देख रहा है, ये सब स्टोक पूरा कैमरा एंगल है, और किस तरह मैंने चला के से काम किया है। तो फिलहाल मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, अभी वॉक, खाली एक चीज सिखाने वाला हूँ, वॉक कैसे किया है इसमें। इसमें मैंने जो काम किया है गाइस, क्लासिक ट्यून और शेप ट्यून के साथ किया है। तो मैं आता हूँ अपने वाले सीन में, जैसे कि हमेशा की तरह मैंने पहले से करेक्टर ले रखा होता है, तो ऐसा। तो ये वाला मैं ओपन फाइल आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए।
तो मैं इस पे अंदर जाके डबल क्लिक करके अंदर चला जाता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूट लेल हो चुका है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो, अभी अभी नए हो मेरे चैनल पे, जाके पहले मेरा जो बिगिनर्स वाला सीरीज है उसको देखिए, उसके बाद वॉक वाला सीरीज देखिए, तब जाके मेरे इस वीडियो पे आइए, क्योंकि आपको ये पता नहीं लगेगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। क्योंकि और जो भी ये डिस्ट्रीब्यूट लेयर है, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह लेयर है, और भी चीज़ें, ये बेसिक है, तो आपको पहले नॉर्मल चीज़ सीखना है पीछे जाके, जो भी मेरा ट्यूटोरियल है बिगिनर्स का। तो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या किस पे काम करना है, शेप ट्विन और क्लासिक ट्विन पे। यहाँ पे जो मेरा जो बॉडी है, ये मेरा ऐसा इस तरह का बॉडी, आप नॉर्मली डंडी भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपका भी जो आपका मतलब जिस तरह आपका मतलब करेक्टर का डिमांड रहेगा, जिस तरह आपको करना है वो काम। यहाँ पे देखोगे आप जैसे कि ये खाली नहीं है, इसके अंदर जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैंने कलर करके रखा व्हाइट, ठीक है। आप मेरे जो पिछला वाला चीज़ देखोगे यहाँ पे, तो इसका बैकग्राउंड ये है, इसके अंदर मैंने यही बैकग्राउंड का कलर लिया, ताकि ऐसा लगे कि ये फील मतलब नॉर्मली वो हमें स्टोक की तरह करना है, लेकिन ये अलग है। आप इसको ब्लैक भी कर सकते हो, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वरना स्टोक एक लाइन भी खींच सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको पूरा ये वॉक साइकिल सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। सेम गाइस, जैसे हमने पहले पीछे किया वैसे हमने यहाँ पे भी करना है, जैसे और चीज़ में किया वॉक साइकिल आपको मैंने पहले से बताई, सेम यहाँ पे भी करना है, लेकिन उस वॉक साइकिल में शेप ट्यून से काम नहीं होता था, यहाँ पे हम शेप ट्यून से काम करेंगे। अभी मैं क्या आता हूँ, 13 पे आता हूँ। 13 पे आके मैंने इस तरह पहले पोज बनाना है, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे पोज बना दिया और मैंने 13 पे आके की लगा दी, F6 कर दिया। इससे पहले ही मैंने ऑलरेडी मैंने डिवाइड भी करके रखा हूँ प्रॉपर तरीके से, F6 किया 13 पे आके। फिर उसके बाद हम F6 करेंगे 25 में, 25 को सबको पूरा सिलेक्ट किया और 25 में F6 कर दिया, और इसको मैंने शिफ्ट के साथ पीछे कर दिया। तो गाइस नॉर्मली हमें इतना सा काम करना है, पहले इतना सा काम करने के बाद नॉर्मली इतना सा काम हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इस जो ये वाला पैर है इसको आगे लाना है और इस वाले पैर को पीछे लाना है। अगर आपको लगता है कि जैसे मैं इसको पीछे लेता हूँ तो यहाँ पे पता नहीं लगता है कि कहाँ पे रखा है, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के साथ रूलर्स आता है, यहाँ पे शॉर्टकट की आपको पता लग रहा है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आर, तो अगर आप ये करोगे तो सीधा इसके पास रूलर निकलता है, तो इससे आप ऐसा यहाँ से निकाल कर इस तरह यहाँ पे रख सकते हो, ताकि पता लगे कि आपका करेक्टर कैसा वॉक करता है ऐसा। तो इस तरह मैंने लगा दिया। अब मुझे क्या करना, 13 पे मैंने रखा है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको थोड़ा बहुत मेरा मतलब पुराना पहले भी आप वीडियो देख चुके, वॉक आपने सीख लिया, तो आपके लिए इजी। अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो पूरा मेरा वीडियो देखिए, है ना, पूरा वीडियो देखिए। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे आके इसको पीछे किया, यहाँ पे रखा और ऊपर वाले पे क्लिक किया और ऊपर वाले पैर को आगे ला दिया यहाँ पे इतना, ठीक है। पीछे वाला पैर जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, तो मैंने इसको ऊपर कर लिया थोड़ा सा, कीबोर्ड से ऊपर की ओर किया थोड़ा ऐसा, और वैसा ही सेम हमने ऊपर भी करना है। यहाँ पे आए और हाथ को पीछे की ओर रखा और यहाँ पे रखा, अंदर आए और दूसरे हाथ पे आए, इस हाथ को आगे लाया, इस हाथ को मैं सॉरी यहाँ पे आया, इस हाथ को पीछे की ओर इतना किया। तो गाइज ये किया हमने उल्टा और फुलटा, मतलब कहने का मतलब है जो हाथ आगे था वो पीछे हो गया, जो पीछे था वो आगे हो गया। अब क्या हुआ, जो पहला वाला की है वो की लास्ट की से मैच करता है, लास्ट की और पहले की में क्लिक करूँगा तो देखोगे आप ये मैच एक सेम है। जैसे ही मैं बीच में क्लिक करता हूँ अलग होगा, मतलब ऑपोजिट होगा 13। तो आपने मेरा ऑलरेडी अगर वॉक साइकिल वाला वीडियो देख लिया तो वैसा ही सेम यहाँ पे है, वैसे ही की मैंने यहाँ पे लगाया है। गाइज मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको करेक्टर एडमिशन में कहीं पर भी की लगा सकते हो अपने एक्टिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन वॉक साइकिल पर जहाँ पे की लगाने को बोलता हूँ वहाँ पर ही की लगाना है ना, जहाँ पे मैं की का बोलता हूँ जैसे 13 पे, तो 13 पे की लगाना है। ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पे क्लासिक ट्विन देता हूँ, सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया और क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो अपना सिर्फ इतना एनिमेशन हुआ है, नॉर्मली इतना एनिमेशन हुआ है। ये होने के बाद ये हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, 13 पे जाना है। पहले मैं यहाँ पे भी देखो, जब ये पीछे चला जाता है तो हाथ का भी एनिमेशन होता है, वरना अगर आप ये नहीं करना चाहते अभी तो नॉर्मली आप क्या करोगे, यहाँ पे भी काम कर सकते हो। पहले 7 पे मैं 7 पे आया, 7 पे जाके मैंने F6 कर दिया। F6 करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने करेक्टर को थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, अपर बॉडी को मैंने सेलेक्ट किया नॉर्मली जैसे मैं पहले करता हूँ, पहले भी करता था, मैंने अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाया और ऊपर की ओर उठाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हेड को पीछे की ओर टर्न किया, ऊपर की ओर टर्न किया मतलब, है ना। और हाथ पे कुछ भी नहीं करना है और मुझे पहले ये देखना है पीछे आना है, तो ये वाला पैर पीछे है तो इस पैर को मुझे मोड़ना है आगे जाके, नॉर्मली जो पीछे है वो मुझे फोल्ड करना है। तो मैं इसके अंदर चला गया और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आया, F6 किया। यहाँ पर देखोगे आप, ये जो है हमने यहाँ पे वो नहीं किया है, सिंबल में डिवाइड नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टिक एनिमेशन हम इसको शेप ट्यून के साथ खेलेंगे। अब जो आप पिछला मेरे जो वॉक साइकिल देखोगे वो पहले से डिवाइड हुए होंगे, यहाँ पे हम शेप ट्यून के साथ खेलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आके F6 कर दिया और आगे हमने कितने भी कितना करना है F6 दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे F6 कर लेना 13 पे, इतना कर दिया। और अभी हम बाहर आएंगे, यहाँ पे क्या बोला मैंने, फोल्ड करना है इसको, किस वाले पैर को, जो आगे है। तो इसके अंदर चला गया, अब मुझे क्या करना है इसको फोल्ड करने के लिए, ये देखो ये अलग है, और इसको फोल्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
शेप ट्विन दूंगा। यहाँ पे आया, दोनों को मैंने यहाँ पे आके शेप ट्विन दे दिया, शेप ट्विन, ठीक है, शेप ट्विन दे दिया, बीच में आया। तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने प्रॉपरली इस तरह ऐसा बेंड कर दिया, ऐसा इस तरह बेंड कर दिया। ऐसा बेंड करने के साथ मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करने के साथ ऐसा यूँ ऐसा थोड़ा सा इसको इस तरह पीछे की ओर ऐसा ऐसा उठाया ऐसा, और आप चाहो तो थोड़ा सा इसको इस तरह भी बेंड कर सकते हो ऊपर की ओर ऐसा इस तरह। तो क्या होगा, ये अभी ये इस तरह बेंड होगा। अभी आप जो देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्लासिक ट्विन नहीं दिया, जो ऊपर वाला है, जो ये पैर है ये हमने सिंबल बना के रखा है, तो ऊपर में हमने क्या देना है, क्लासिक ट्विन, नीचे में शेप ट्विन दे दिया, ऊपर आके हमने क्लासिक ट्विन दे दिया। तो ये इस तरह काम करेगा ऐसा, ठीक है, इस तरह काम करेगा ऐसा, ये उठ गया ऐसा। आपको लगता है थोड़ा सा और टेढ़ा करना है तो टेढ़ा कर सकते हो ऐसा, और इसको अगर आपको लगता है यहाँ से इसको यहाँ पे बंद कर दो और यहाँ से स्ट्रोक लाइन को ऊपर उठा सकते हो ऐसा, ठीक है, ये इस तरह टेढ़ा हो गया ऐसा। अब ये क्या होगा, इस तरह टेढ़ा होगा यूँ। अब ये ऑन कर दिया आपने तो आपको कुछ नहीं करना, इसको उठा के यहाँ पे रख लेना ऐसा नॉर्मल, इतना कर दिया ऐसा, और ये देखो यहाँ से इस तरह उठ गया ऐसा, इस तरह। आप यहाँ से इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी कर सकते हो। अभी आपने इसका ड्राइंग नहीं बदला स्विच का, वो आप बदलेंगे। अभी मैं यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे अगर टूट फूट रहा है तो आपको इसको ठीक करना है। तो इतना देखो अब बाहर आया तो कैसा होगा, यहाँ से ये इस तरह रह गया। जैसे ही देखो गाइस ये यहाँ से उठता है पैर, तो मैंने लगभग दो पे ही मैंने इस वाले का ड्राइंग बदलना है, इस वाले स्विच का। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसके अंदर चला गया और इसके अंदर डबल क्लिक किया, स्विच के अंदर जो मैंने सिंबल बना के रखा स्विच के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आके दो पे की लगा के, मैंने ऑलरेडी गाइज इसके अंदर आप जाओगे तो ऑलरेडी दो तीन ड्राइंग बनी है, तो मुझे इसको यूज़ करना है। जब मैं आप इस ये सिंबल पूरा का पूरा सिंबल मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इसका मतलब ये मैं जो ड्राइंग है पैर की वो मैं पहले से रखूँगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली यहाँ पे क्लिक किया, अभी दो पे हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑन किया देखने के लिए कौन सा ड्राइंग लगाना है। तो मैंने नॉर्मली ये वाला ड्राइंग लगा दिया, ठीक है, और इसको बंद कर दिया। अब बाहर आया, बाहर आने के बाद आप देखोगे ये यहाँ से पीछे से नॉर्मली इतना है, और मुझे इसको थोड़ा सा इस तरह डाउन करना ऐसा, इस तरह डाउन करना ऐसा, ठीक है, इतना कर दिया और पीछे आ गया ऐसा। अब देखोगे यहाँ से कैसा, जब पैर उठेगा आप खाली इस पैर को देखना, जैसे उठेगा तो नॉर्मली इस तरह उठ जाएगा। आप और भी अच्छा ड्राइंग बना सकते हो, मैं ये नहीं कहता, आप मेरी तरह एनिमेशन कर सकते हो, आप मेरे से भी बेहतर एनिमेशन कर सकते हो, बस मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया, इस तरह आएगा आगे ऐसा यूँ, ये करेगा इस तरह। अगर आपको लगता है पैर थोड़ा सा उठेगा और ज़्यादा उठेगा तो आप और ज़्यादा उठा सकते हो, अपने मुताबिक अंदर जाके आप और ज़्यादा उठा सकते हो। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को ऑफ करके रखा ताकि नीचे वाला ऑन हमें नज़र आए, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया ऊपर, थोड़ा सा नीचे किया इस तरह, इतना कर दिया। तो ये इस तरह इतना बैंड हो गया ऐसा, ठीक है। मैंने ऑन किया इसको, ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे इतना क्लिक किया, इसको इतना रखा ऐसा। और अभी मैं बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद एक बार देखता हूँ कैसा हुआ। तो ये पैर इस तरह उठता है ऐसा यूँ, ठीक है ऐसा। अभी अपना इतना काम हो चुका है, इतना सा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना सा काम हो चुका है, अब हम यही सेम जो टेक्निक है, ये पूरा टेक्निक। अभी देखो मैंने इस हाथ के अंदर कोई भी काम नहीं किया, इस हाथ के अंदर जैसे हमें काम करना था पहले यहाँ पे आए, और ये जो हाथ है इसके अंदर एक थोड़ा सा ड्राइंग और बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट में आता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, जो ये तेरह पे मैंने ये लगा दिया, तो मुझे तेरह पे क्या करना है, इस हाथ का ये वाला जो स्ट्रोक है इसको पीछे की ओर करना है। अदरवाइज़ गाइज आप इसको ऐसे ही रखिए, अभी मैं इसके अंदर नहीं जाता हूँ, पहले बाहर ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉर्मली आपको ऊपर किया, ये हाइड किया और इस तरह काम कर दिया। अभी मैं मेरा इतना सा काम हो चुका है यहाँ पे, लेकिन हमारा यहाँ पे ये वाला ड्राइंग को चेंज करना है पैर का, ये वाला ड्राइंग को चेंज करना है स्विच को। तो सेम हमने कितने पे आके, दो पे ही चेंज कर देना। तो मैंने डबल क्लिक करके अब मैं इस पे आया, सात पे आके इस पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे ये जो मैं अपना ये वाला सिंबल है ना स्विच का, उस पर क्लिक किया, क्योंकि हमें स्विच का ड्राइंग चेंज करना है, तो स्विच का ड्राइंग चेंज करना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के लिए, यहाँ पे मैनेज करने के लिए मैंने सात की पे लगा दिया, वरना इसके अंदर चला गया। तो इसके अंदर जाने के बाद मुझे खाली दो पे जाना है, दो पे जाने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया, तब जाके ऑन होता है, और मैंने यहाँ पे इस वाले को क्लिक कर दिया। अभी गाइज हमें यहीं पे इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, जो यहाँ पे ड्राइंग बना है हमने क्या करना है, जो बार है, बार आके यहाँ पे तेरह पे भी की लगाया, यहाँ पे आप इसको क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे आप इसको सीधा कर सकते, अंदर मत करना क्योंकि वो अंदर ड्राइंग बनी रहती है, तो बाहर आके करना है, बाहर इसीलिए रखा है आपने। तो देखो ये यहाँ से इस तरह होता है ऐसा यूँ, तो अपना क्या हो गया, प्रॉपर ये बन चुका है इतना। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो कैसा उठ के आएगा यूँ,
ये उठ के आएगा। तो अगर आपको लगता है ये थोड़ा कम उठे उठ गया ऊपर, तो आप इसको और ये वाली पाँव को पकड़ोगे आगे वाले, क्योंकि आगे वाली पाँव को यहाँ पे पता लग जाएगा, वरना ये बॉडी कितना उड़ा। तो आगे वाले पाँव को पकड़ेगा और इसको थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा और ऊपर किया इतना, तो कैसा लगेगा करेक्टर यूँ उठ गया ऐसा, ठीक है यूँ। तो ये इतना हो गया, अपना साथ वाला काम कंप्लीट हो गया, पर ये हाथ के अंदर अभी गया गया नहीं मैं। तो हमने क्या करना, जब इतना उठ गया तो पहले इतना उठने के बाद हम सीधा ये जो बॉडी है ना इस पर भी काम नहीं किया, तो हम बाद में जाएंगे इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, 19 पे आके, आप पहले भी जा सकते हैं बाद में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बाद में जाऊंगा। मैंने 19 पे आके F6 किया, सेम जो प्रोसेस हमने 7 पे फॉलो किया वही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी फॉलो करना है। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ऊपर की ओर शिफ्ट के साथ दो बार, सॉरी मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट किया, इनको सबको पूरे को सेलेक्ट किया। और अब क्या करना है, पहले हमारा आगे वाला पैर पैर मुड़ गया था, अब हमारा पीछे वाला पैर मुड़ेगा। जैसे कि अभी ये यहाँ पे है तो ये पीछे वाला पैर मुड़ेगा, हमने क्या करना है, जो पैर मुड़ता है उसको भी सिलेक्ट करना है साथ में। जैसे पीछे वाला पैर को मैंने सिलेक्ट किया कर दिया, तो यानी कि इतना मैंने सिलेक्ट कर दिया। और मैंने क्या करना, इसको भी थोड़ा ऊपर उठा देना शिफ्ट के साथ, ऊपर उठा दिया ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया ऐसा। तो अभी क्या होगा, ये इस तरह ये यहाँ जैसा हमारा साथ पे उठा है उतना यहाँ पे भी उठ गया, यहाँ देखोगे इतना यहाँ पे उठ गया। तो इतना उठाने के बाद हमें नॉर्मली यहाँ से इतना ऊपर करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये फ्रेशर के लिए, लेकिन अगर आप पुराने अगर आपको पता है वॉक के बारे में तो इग्नोर कीजिए, खाली ये देखिए स्टिक एनिमेशन कैसे किया हूँ। तो इसके बाद इसमें नया बस यही है जो शेप ट्रिम में काम किया हूँ। इसके बाद मुझे इसको फोल्ड करना है, मैं सीधा हाथ पे पैर के अंदर चला गया। पैर के अंदर जाने के बाद जो ये पैर का एनिमेशन है ये मुझे वो करना है, फोल्ड करना है। तो मैंने नीचे वाले पे शेप ट्यून लगाना है, यहाँ पे 13 पे की लगाया और आगे जाके 25 पे की लगाया, क्योंकि मुझे पता है 25 पे एनिमेशन है। तो मैंने यहाँ पे जाके शेप ट्यून दे दिया, किसको, जो लाइन है उसको शेप ट्यून दे दिया, क्योंकि मुझे इसको फोल्ड करना है। तो मैं 7 पे आया, तो 7 पे मतलब यहाँ पे रखा हूँ। तो इसके बाद मुझे पैर पे भी जो सूज है उस पर भी मैंने पॉइंट लगा के क्लासिक ट्यून दे के रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा सिंबल है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे आया और इसको मुझे फोल्ड करना है इस तरह। अगर कभी ड्राइंग बिगड़ता है ना ऐसा करते करते तो कंट्रोल जेड कर देना। इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ से बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे इस स्ट्रोक को यहाँ से पीछे की ओर उठाना है ऐसा, और ये इस तरह फोल्ड हो गया ऐसा, इस तरह फोल्ड हो गया। अब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ और इसके बाद मैं आके यहाँ पे इसको यहाँ पे रखता हूँ ऐसा, और इसको थोड़ा सा इसको नीचे की ओर ऐसा इस तरह यूँ करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ, तो इस तरह मैंने यहाँ पे इस तरह टर्न कर दिया। अभी देखो ये पैर कैसा उड़ता है ज़मीन से, यूँ उड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, वॉक में शेप ट्यून का यूज़ किया है। तो इसके बाद बाहर आया, तो अभी एक बार बाहर देखेंगे कि कितना उठा है। तो यहाँ पे आएंगे तो देखो पैर इतना उठ गया पीछे से। अभी यहाँ पे देखो जैसा मेरा ये नीचे की ओर इस तरह ये यहाँ पे बिल्कुल ओके हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद ये यहाँ पे आया, यहाँ पे इतना आया पीछे, देखो ये पीछे पैर यहाँ पे आया। तो ये इस वाले पैर पे, पीछे वाले पैर पे ध्यान देना, इस वाले पैर पे ध्यान देना। अभी हमने आगे तो कर दिया, 19 पे हमने क्या किया था, नॉर्मली देखो इसको यहाँ पे उठा दिया, ऊपर उठा दिया, और सर को हमने यहाँ से ये देखो कि सर को यहाँ पे फोल्ड भी कर दिया 19 पे। तो इतना सब प्रोसेस कर दिया, थोड़ा सा और करता हूँ। तो इतना सब प्रोसेस कर दिया ऐसा। अगर आपको लगता है सर कम उठ पीछे की ओर कम रोटेट हुआ तो और थोड़ा सा मोड़िए। तो इतना सा हो गया ऐसा, इतना हो गया। अभी गाइज आप मैं पीछे कह रहा था यहाँ पे, तो आप स्टार्टिंग से देखिए पैर पे ध्यान देना, खाली पैर पे ध्यान देना। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे ये पैर मेरे यहाँ से उठता है, तो यहाँ से उठने के बाद ये सीधा हो जाता है, मतलब जो सूज की ड्राइंग है वो चेंज हो जाती है। लेकिन गाइस जब ये देखो 12 पे आता है तो यहाँ पे फोल्ड होना चाहिए। तो मैंने हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 पे ड्राइंग चेंज करना है पीछे वाले पैर का। देखो यहाँ पे देखो यहाँ जैसे ये पैर पीछे की ओर आता है यहाँ पे, और ये आगे जाता है यहाँ पे, आगे आता है तो आगे इसका ड्राइंग चेंज होना चाहिए। कहाँ पे, लगभग यहाँ पे, लगभग आप 11 पे ही चेंज कर सकते हो ऐसा, यहाँ पे या 11 या 12 पे चेंज कर सकते हो। मैंने क्या करना है, दोनों का ड्राइंग चेंज करना है 11 और 12 पे। मैंने पहले स्विच के अंदर चला गया, स्विच के अंदर जाने पे यहाँ पे पहले यहाँ पे बाहर पीछे आया, 11 पे ही मैंने इसको चेंज कर दिया। इसको कौन सा चेंज करना है, थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा ये ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा सा फोल्ड हो गया, या फिर ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला अच्छा है। तो ये वाला ड्राइंग लगा सकते हो। मैंने बाहर आया और बाहर आने के बाद देखोगे तो मेरे यहाँ पे ड्राइंग ये चेंज हो चुका है यहाँ पे ऐसा। अब मैं बाहर आया तो इतना ये ठीक है। अगर मुझे थोड़ा भी इसको लगता है कि ऊपर नीचे करना है तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता है इसको ऐसा, अगर मुझे लगता है ऊपर नीचे करना है। वैसा ही मुझे सेम यहाँ पे आके इसका भी ड्राइंग चेंज करना है, इसका ड्राइंग चेंज जैसे हमने पीछे 11 पे चेंज किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे आया, पीछे आया थोड़ा, यहाँ पे आने के बाद 11 पे मैंने इसको की लगा देना, F6 किया और अपना यहाँ पे जाके ये वाला फ्रेम को इसको यूज देखने के लिए ऑन किया। तो इस तरह रख दिया। अगर आप ये भी रख सकते हो, आप ये भी रख सकते हो, कोई भी ड्राइंग रख सकते हो, आप ऐसा भी रख सकते हो। तो नॉर्मली अगर मैं इसी को यूज़ करूँगा, अब मैं इसके बाद बाहर आऊँगा तो देखूँगा यहाँ पे, अगर मुझे लग रहा है कि इसको मुझे थोड़ा सा नीचे करना है, तो नीचे करने से पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, आगे 19 पे जाके एक की लगा देना है ताकि वो बाद में अपनी जगह पे आ जाए।
तो मान के चलो मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर करना है, ऐसा मान के चलो ऊपर की ओर करना ताकि वो बाद में नीचे की ओर यूँ आए। तो इतना कर दिया मैंने, इतना रख लो, इतना इतना कर दिया, तो आगे जाके इतना हो रहा है। अगर ये ड्राइंग मुझे चेंज करना तो बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। मैं बाहर आया तो अभी आप देखोगे क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे देखो जैसे ही आगे आता यूँ, अब देख रहे हो आप यूँ पीछे देखो यूँ आ गया ऐसा। तो ये ड्राइंग आपको चेंज करना होता है, ये नॉर्मली और जगह भी है जो वॉक साइकिल है वहाँ पे भी करते हैं, बट यहाँ पे यही है कि शेप ट्यून में काम कर रहे हैं। तो अपना ये इतना सा काम खत्म हो गया। अब जैसे ये यहाँ पे, अब स्विच की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये 19 पे 11 पे हमने चेंज किया और यहाँ पे आने के बाद, और जैसे ये आगे आता है, आगे आता है मतलब आगे की ओर मुड़ने स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे ही हम इसको यहाँ पे 14 पे इसका ड्राइंग भी चेंज करते हैं, दोनों का ड्राइंग चेंज कर देंगे। देखो ये यहाँ पे यूँ आया और यहाँ पे आने के बाद ऐसा हुआ, और यहाँ पे क्या करेंगे हम दोनों का ड्राइंग फिर चेंज करेंगे। अब पैर की बात कर रहा हूँ, तो मैं पीछे रखता हूँ, मुझे कितने पे चेंज करना है, यहाँ पे आके 14 पे चेंज करना है। मैं यहाँ पे आया और अंदर चला गया और फिर से अंदर चला गया इस पैर पे। आप मुझे बस फॉलो करते रहना, जो भी जैसे ये वॉक वाला रहता है, कई बार क्या रहता है फ्रेशर को एकदम आता नहीं है, तो मेरे वीडियो को आप बार बार रिपीट कीजिए। अभी मुझे याद है ये जो पैर है ये मुझे कहाँ बदलना है, कितने पे बदलना है, 14 पे। यहाँ पे आया, 14 पे मुझे कौन सा ड्राइंग लगाना है ये बताता हूँ। 14 पे आके मुझे यहाँ पे ये वाला ड्राइंग लगाना है नॉर्मल, और बाहर आया अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये देखो इतना मैंने ये ड्राइंग बदल दिया, 14 में ये ड्राइंग बदल दिया। तो सेम गाइज वैसा ही हमने यहाँ पे भी करना है, आके आगे इस पे भी मुझे ड्राइंग चेंज करना है। आके मैंने यहाँ पे 14 पे की लगाया, 14 पे की लगाने के बाद मुझे यहाँ पे चेंज करना है। मैं यहाँ पे आया, मैंने ये वाला ड्राइंग को चेंज कर दिया, इसको चेंज करने के बाद इसको कट कर दिया, बाहर आया और ये मेरा इस तरह चेंज हो चुका है। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसको नीचे सेट करना है तो बाहर आके पता लग जाएगा। अभी देखो यहाँ से ये पैर यूँ उठा और ये यहाँ पे देखो यहाँ पे सेट हो गया अपनी जगह पे ऐसा, ठीक है, अपनी जगह पे सेट हो गया ऐसा। अब ये नीचे अपनी जगह पे आएगा ऐसा यूँ। अगर आपको लगता है अभी कि पैर बिल्कुल ही नीचे चला गया, तो अभी क्या गाइज अंदर जाके देखो, यहाँ पे की लगाया हूँ तो यहाँ पे एक 25 पे भी की लगा देना, F6 लगा देना, क्लासिक भी दे देना, और आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इसको। अब यूँ ये मैनेज कर सकते हैं, अंदर से मैनेज मत करना, बाहर से आज के मैनेज कर, क्योंकि इसके अंदर भी अभी और भी वो चीज़ें है ना। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इस तरह वो कर दिया, ऐसा यूँ आया, यूँ पैर इसने रखा और इसके बाद ये यूँ आप यूँ आके यहाँ पे रह गया, ठीक है। इतना करने के बाद ये पैर पे ध्यान देना, आगे आके यहाँ पे आ गया, इतने पे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जैसे इतने पे आता है। अभी हमारा पीछे देखोगे आप यहाँ पे, तो इस तरह के दोनों ड्राइंग, ठीक है। मैंने क्या करना है, ये दोनों ड्राइंग सेम ड्राइंग रखना है। तो हम लास्ट में यहाँ पे आएंगे, लगभग इतने पे रख लो, आप सीधा यहीं पे चेंज कर लो, जैसे यहाँ पे आ गया इतने पे चेंज कर लोगे, 24 पे चेंज कर लोगे। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसके अंदर चला गया और यहाँ पे 24 पे F6 किया, और मुझे यहाँ से पीछे से उठाना है, इसी की को उठा के यहाँ पे रख लेना आगे। और सेम गाइज वैसा इस पे भी करना है जो दूसरा पैर है, इसके अंदर डबल क्लिक किया अंदर चला गया 24 पे, पीछे वाला फर्स्ट वाला की को उठा के आगे रख लिया, बस इतना सा करना है। और अपने मैन वाले वहाँ पे सीन पे, मैन वाले सिंबल पे आना है, तो इस तरह आपका ड्राइंग इस तरह रहेगा। तो ये गाइज, तो अभी देखो गाइज ये पूरा नहीं हुआ अभी एनिमेशन, आपको लग रहा होगा पूरा हुआ, ये इस तरह इतना हो जाएगा। अब आपको काम कहाँ करना है, जैसे अब हाथ पे, हाथ का मैंने अभी काम किया नहीं है, तो हमने क्या करना है, हाथ पे आना है। हाथ पे आने के बाद यहाँ पे आया तो मुझे इसका नॉर्मली मैं इसका ड्राइंग क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा और इसके अंदर जाके यहाँ पे F6 किया, और F6 करने के बाद यहाँ पे लगभग 25 पे भी F6 करके रखा हूँ, और दोनों का मैंने शेप ट्यून दे दिया। शेप ट्यून देने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे पीछे की ओर, ऊपर की ओर, इस तरह ऊपर की ओर करके रखना है, और थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो, ऐसा आप कर सकते हो ऐसा ऊपर नीचे। तो अब एक बार देखना, कई बार बिगड़ जाता है, तो इस तरह मैंने इसको पीछे की ओर कर दिया यूँ ऐसा। तो नॉर्मली दूसरी जगह आके यहाँ पे आया तो इसको मैंने, देखो अभी क्या होगा, जैसे ये यहाँ से देखो पीछे की ओर यूँ करेगा तो ये ऐसा यूँ, तो थोड़ा सा एक फ्लो आएगा हाथ में कि किस तरह ये चल रहा है, फिर रहा है ना ऐसा। तो जैसे देखो ये ऊपर की ओर आएगा हाथ ऐसा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आके इस पे भी हम नॉर्मली वैसा ही करेंगे जैसे पहले कर दिया था। F6 किया, दोनों को सेलेक्ट करके राइट लेफ्ट क्लिक करके शेप ट्यून दे दिया। शेप ट्यून देने के बाद यहाँ पे आया, आप ये याद रखना यहाँ पे शेप ट्यून में काम हो रहा है, तो इसको मैंने नॉर्मली नीचे की ओर यूँ किया, जब फ्लो में काम आगे की ओर जाएगा तो नीचे की ओर किया। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ऐसा। मैं पीछे आया, अगर बिगड़ता है तो आप प्रॉपर काम कर सकते हो यूँ, तो ये यूँ इस तरह पीछे की ओर, इस तरह आगे की ओर आया ऐसा। थोड़ा सा मैं इसको और सेट करता हूँ ताकि अच्छा लगे ऐसा, तो मैंने इतना कर दिया इसको सेट, ये इस तरह ऐसा हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे बीच में आपको थोड़ा सा ड्राइंग यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे लगता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग चेंज करना है, तो यहाँ पे आके अंदर
यहीं पे भी आप थोड़ा इसका मैनेज कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह मैनेज करता हूँ, ऐसा इस तरह रख लो। तो ये क्या होगा, पीछे से यूँ यूँ हाथ आएगा और यूँ ऐसा। अब मैं बाहर आता हूँ, एक बार यहाँ पे देखना, आप इसको नॉर्मली अपने अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है और अच्छा करना क्वालिटी में, तो ये यहाँ से यूँ आया यहाँ पे यूँ, और इस यहाँ से पीछे की ओर चला जाता है यूँ, इस तरह आया और इसके बाद ये पीछे की ओर यूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा इसको, आप यहाँ पर ड्राॅइंग को और अच्छा बना सकते हो। ड्राॅइंग को मैंने यहाँ पे, ये 13 पे लगा, हमें 12 पे की लगाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको आगे उठा दिया। आगे इसलिए उठा दिया क्योंकि इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, हमने 13 पे ही लगाना है। तो मैंने नॉर्मल इसको इस तरह कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इस तरह कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद बाहर आया, बाहर आने के बाद यहाँ पे देखा तो ये इस तरह यहाँ पे ये पीछे की ओर हो गया ऐसा, ठीक है, इस तरह रह गया। अगर आपको यहाँ पे लगता कि थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह सेट कीजिए ऐसा। और मैं यहाँ पे आया तो मेरा ये इस तरह हो गया ऐसा। तो सेम गाइज, वो पीछे भी यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे जो दूसरा वाला हाथ है वहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे भी कर सकते हो, आप जो पीछे वाले हाथ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नॉर्मली ये कर सकता हूँ सेट इस तरह। तो इस तरह मैंने सेट किया, तो ये हाथ का इस तरह काम हो जाएगा अपना, इस तरह काम हो जाएगा ऐसा। अभी देखो जो ये हाथ है, यहाँ पे जो हाथ है ये नीचे ऐसा इस तरह आएगा, और इसके बाद और जैसे नीचे की ओर आ रहा है बीच में, तो आप इसको यहाँ पे अंदर जाके, मैं हाथ वाले पे जा रहा हूँ खाली, डबल क्लिक करके जो अपना हैंड वाला एनिमेशन है इसको मैं यहाँ से बंद करके रखता हूँ ताकि पीछे वाला हाथ पता लगे। तो मैं पीछे वाले हाथ के अंदर चला गया, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसके अंदर जाने के बाद ऊपर वाला जो हाथ है ना, इसको भी मैंने बंद करके रखा यहाँ पर, तब जाके मैं इस वाले हाथ के अंदर जा पाऊँगा। इसके अंदर जाने के बाद जो यहाँ पे आना ना 19 पे आके मैंने खाली कुछ नहीं किया, इसको मैंने यहाँ से फोल्ड करके रखा ऐसा, इतना इतना काम करके रखा हूँ ताकि मेरा जो एनिमेशन है यहाँ पे, ये जब नीचे आएगा तो ये नीचे आते पर यूँ हो जाए ऐसा, ठीक है। तो सेम अभी मैं इसको बंद करता हूँ, तो अभी देखो क्या फ्लो में आएगा। पीछे वाले हाथ पर ध्यान देना, तो यूँ होगा। तो हमने हमारा जब यहाँ पर ये यहाँ पर हमने इस तरह किया है, इस तरह किया ऐसा, यहाँ पर इस तरह हुआ है। तो जैसे ये नीचे आता हमने इस तरह किया, और ऊपर जाके ये हो गया, और इसके बाद ये नीचे आ गया ऐसा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ही रखना है, ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। और इतना होने के बाद आप एक बार देखोगे तो कैसा हुआ, तो इस तरह हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा एनिमेशन। और आपको क्या करना है, अगर इसके बाद और काम करना है तो इसके बाद इस बॉडी के अंदर भी काम कर सकते हो। जैसे कि जैसे ऊपर की ओर उठता है, तो आपको थोड़ा सा इस बॉडी के अंदर भी काम करना है। तो इसमें शेप ट्यून के साथ यहाँ पे भी शेप ट्यून लगा दिया, और आगे आके सॉरी की F6 से की लगा दिया, और शेप ट्यून दे दिया, यहाँ पे शेप ट्यून दे दिया, और थोड़ा सा मैंने अंदर की ओर ऐसा बेंड किया, और इसको थोड़ा सा बाहर की ओर किया। जब भी उठता है ना, तो अपना कमर को अंदर की ओर करता है, तो इतना ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा अंदर की ओर, है ना, अंदर बाहर। जब ये देखो यहाँ से ऊपर की ओर उठता है, तो यूँ करता, थोड़ा सा यूँ यूँ हो गया अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर। और जैसे ये यहाँ से देखो ऊपर की ओर उठता है, तो सेम यहाँ पर भी आप यही कर सकते हो। यहाँ पे सेम जो पीछे किया, आप यही वाले की को उठा के आगे रख सकते हो, और यहाँ पे की लगा दिया पहले, और यहाँ पे भी की लगा देना पहले ही, और पीछे वाले को उठा के यहाँ पे रखना ऑल्ट के साथ, और यहाँ पे भी शेप ट्यून दे देना। तो ये क्या नॉर्मली अंदर बार ऐसा हो जाएगा 25 तक। तो यहाँ पे बाहर आओगे तो ये प्रॉपर आपको लगेगा, जब ऊपर उठेगा तो इस तरह एनिमेशन हो रहा है इसका ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगता है तो मतलब और अच्छा करना है, तो इस पर और अच्छा काम कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा अगर बाहर निकालूंगा तो इस तरह रहेगा, तो ये इतना बाहर आएगा ऐसा। आप जब यहाँ पे इसको उठा के ऑल्ट के साथ आगे भी रखना, क्योंकि आगे भी चाहिए हो, और बाहर आओगे थोड़ा सा और ज़्यादा मूव करेगा इस तरह ऐसा, ठीक है। ये हो गया, इतना होने के बाद अपना सारा काम हो चुका है। अगर आप इतने पे भी बाहर आऊँगा मैं, प्रॉपर हुआ है तो इतने पे मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ, तो इस तरह अभी एनिमेशन होता है। ये देख रहे हो आप, इतना एनिमेशन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये पेट का भी देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, ये लाइन काम कर रहा है, इस तरह पैर का भी काम कर रहा है। तो और अगर आपको और अच्छा बनाना है इस एनिमेशन को, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसके अंदर चला गया मैं, और इसके अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे हेड के अंदर जाना है। हेड के अंदर गाइज ये देख रहे हो आप, जो ये प्रॉपर मैंने ये रखा है हेड फेस में, तो मैंने इसके अंदर और चला गया, ये जो पूरा का पूरा किया यहाँ पे रख लिया, 5 पे लगाया, 10 पे लगाया, यहाँ पे 10 पे लगाया, इतने पे लगाया। एंड नॉर्मली आप इतना इतना लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हो ऐसा,
वो 25 तक आप लगा सकते हो, जितना भी लगाना है ऐसा। तो मैंने यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया, और इसको मैंने जैसे अभी मैंने ऊपर की ओर उठाया इसको, ऐसा ऐसा ऊपर की ओर उठाया, ऐसा मान के चलो इतना उठाया, ऊपर की ओर उठाया, और बाद में ये वापस ऐसा देखो नीचे, ऐसा ज़्यादा उठा दिया और इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया ऐसा। तो और ये क्या हुआ, ये ऊपर ये नीचे, और यहाँ पे आया ये, यहाँ पे देखो गाइस मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा और ऊपर उठाया इतना, तो ये क्या हुआ ऐसा ऊपर नीचे ऐसा यूँ हो जाएगा, और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर उठाया ऐसा। तो आप कंट्रोल एंटर मारोगे ना कैसा नज़र आएगा, थोड़ा फेस में भी लुक आएगा, ये देखो फेस में भी लग रहा है कि कुछ कुछ फील आया। तो गाइज इस तरह मैंने जो वॉक जो स्टिक एनिमेशन है, इस तरह मैंने पूरा का पूरा स्टिक एनिमेशन किया। तो ऐसा ही आप भी कर सकते हो, प्रॉपर का पूरा प्रॉपर आप स्टिक एनिमेशन ऐसा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यही बताऊंगा कि जो वॉक है हमारा इस तरह बनता है, प्रॉपर वॉक ऐसा बनता है। आप मुझसे भी अच्छा काम कर सकते हो, वो आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप हो सकता है आपका, मैं पहले जो मेरा टेक्निक है उससे भी आप और अच्छा टेक्निक ला सकते हो, जिससे कि एनिमेशन वॉक का क्वालिटी और भी अच्छा होता है। ठीक है, ये सब करने के बाद, ये पूरा वॉक करने के बाद, ये इतना मैंने कर दिया, ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे बाहर आया। आप यहाँ पे देख रहे हो सारा चीज़ हो चुका है, यहाँ पे ये ऊपर की ओर उठ गया इस तरह, ये हो चुका है। और सेम यहाँ पे गाइज जो यहाँ पे सेम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सब होने के बाद ये पूरा का पूरा हो गया, आपको बिल्कुल सेम यहाँ पे उठा के यहाँ पे लगाना है जब हम कंपाइलिंग करेंगे। तो गाइज आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना कि आपको ये कंपाइलिंग वाला वीडियो पूरा देखना है या नहीं देखना है। अगर जैसे मुझे लगता है कि ज़्यादा कमेंट आया, लोगों को देखना है ये चीज़ें, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे देखोगे आप, यही वीडियो यही मैंने उठा के यहाँ पे रखा हूँ, ये प्रॉपर मैंने यही वाला करेक्टर यहाँ पे उठा के रखा हूँ, और इसके बाद ये यहाँ पे वॉक कर रहा है इस तरह। आप यहाँ से देखोगे इस तरह बाहर से आ रहा है, ठीक है। इस तरह गाइज इसका वाला भी अलग एनिमेशन हुआ है, और ये सब जैसे मैंने अरेंज किया, कैसे किस तरह अरेंज किया, किस तरह मैंने पूरा काम किया, तो वो सब गाइज ये सब मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वाला वीडियो आप मेरा समझ आया, इससे कुछ आपको सीखने को मिला, तो मुझे कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि आपको मैं ये स्टिक एनिमेशन अलग से भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये सब जो कंपाइलिंग हुआ, ये सब मैं अलग से वीडियो में भी दिखा सकूँगा। तो आप मुझे पहले बताइए कि ये वाला एनिमेशन कैसे लगा, और दूसरा कि आपको बस कमेंट ही नहीं करना, ये भी बताना कि इसका आप कंपाइलिंग वाला वीडियो बनाइए, कंपाइलिंग कैसा किया ये भी बताइए। गाइस जो कुछ भी सीखना चाह रहे हैं ना वो बताइए। अगर कोई ऐसी नॉर्मली देख रहे हैं तो कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप नॉर्मली देखिए, क्योंकि इसमें गाइस देखो एक तो ये एनिमेशन है, जैसे पीछे ये बंदा जो की वो चला रहा है माउस कीबोर्ड चला रहा है, जो ये यहाँ पे देखोगे आप, ये बंदा किस तरह मैंने कीबोर्ड चलाते वक्त बताया। और दूसरा इसमें कंपाइलिंग किस तरह मैंने चला के इसे कंपाइलिंग करके, ये देखो यहाँ पे आएगा, आगे आएगा, आगे आने के बाद देखो इसने ये अंदर की ओर चेयर किया, ये अलग से बना है, ये सब एक अलग से पूरा का पूरा बना है। जैसे ये चेयर पे बैठता है नीचे, और इसके बाद चेयर गिरने लग जाती है, ये जो एनिमेशन हुआ ना थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद आउटपुट देखोगे आप काफ़ी अच्छा आता है, ये इस तरह पीछे मुड़ गया। तो ये एक ही चीज़ में नहीं होता, सिंबल में अलग अलग में होता है। किस तरह मैंने ये बनाया आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए प्रॉपर कंपाइलिंग वाला वीडियो चाहिए, किस तरह कंपाइलिंग ये किया, तो मैं वो बना दूंगा आपको। तो गाइज इसका मैं ओपन फाइल आपको दूंगा, जो ये करेक्टर है इसका मैं ओपन फाइल दूंगा, वरना आप खुद भी बना सकते हो, खुद भी लाइन लेके लाइन यहाँ से स्ट्रोक से खुद भी अपना मतलब क्रिएट कर सकते हो, लाइन टूल से क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने लाइन लिया इस तरह, आप यहाँ से लाइन का स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इतना बड़ा स्ट्रोक रखा है, तो खुद भी इसको स्ट्रोक चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आके यहाँ से नॉर्मली इस तरह का, यहाँ इस तरह का मान के चलो मैंने इस तरह का गोला लिया, और यहाँ पे ब्लैक कलर अंदर फिल कर दिया, ब्लैक कलर फिल कर दिया, बार वाला डिलीट कर दिया, और इसको नॉर्मली सिंबल बना दिया। तो आप ऐसे भी एक नॉर्मली एक करेक्टर बना सकते हो, और नीचे ये अलग अलग लेयर पे करना, अभी मैं नॉर्मली एक ही लेयर पे कर रहा हूँ, तो आप ऐसा अलग अलग लेयर पे कर लेना। तो ये आपका यहाँ पे ऐसा कर दिया मैंने, और थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो ऐसा आप खुद भी बना सकते हो, और जो मेरा टेक्निक है वो अपना सकते हो, पर लेकिन गाइज ये अलग अलग लेयर पे करना है, ये आपको शेप ट्यून में काम करना है, ठीक है, शेप ट्यून में काम करना है। ऐसा ही ऊपर इसका हाथ बना दिया, तो इस तरह इसका हैंड हैंड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही लेयर पे बना रहा हूँ, आप इनको अलग अलग लेयर पे बनाना है। तो ये हो गया हैंड, और ये दूसरा हैंड, तो इस तरह आप अलग से भी बना सकते हो, ये हो गया हैंड। तो इस तरह का काम कीजिए, और इसके बाद इस पर कोई भी एक्टिंग कर सकते हो शेप ट्यून में। शेप ट्यून में काम करना, आपको की बाई की काम नहीं करना, जैसे ये पूरा काम हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप प्रॉपर, जो मैंने पीछे भी बताया आपको, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जो मैंने वॉक साइकिल बताया खाली आपको, जो आप ये देखोगे ये पूरा का पूरा एनिमेशन अलग हुआ है। यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे एनिमेशन हुआ है, इस पर ये पूरा पूरा एनिमेशन हुआ है, इसी पे एनिमेशन हुआ है। तो गाइज ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए, ऐसा एनिमेशन भी आपको यूट्यूब के लिए बनाना, स्टोक वाला एनिमेशन, तो आगे भी मैं लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बताइए मुझे कि आपको कंपाइलिंग वाला वीडियो इसका चाहिए या नहीं चाहिए। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको जो पूरा का पूरा ये एनिमेशन है, ये वाला एनिमेशन है, आपको पूरा मतलब ये वॉक साइकिल स्ट्रोक वाला वो आपको पता लगा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में जाके मैसेज कीजिए, जो भी रहता है मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है।